हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर किचन तड़का मार के विद नीलू। आज की रेसिपी है कल कल। कल कल एक ऐसी रेसिपी है जिसे क्रिसमस के खास मौके पे बनाई जाती है। ये बहुत ही पारंपरिक डिश है और मैं उसी पारंपरिक डिश को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी। कलकल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, ये नॉर्मल सूजी है, जो मोटे वाले सूजी होते हैं ये वही वाली सूजी है, और 1/4 कप ही पिसी हुई चीनी लेंगे, और 1 पिंच नमक, और 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी को मैंने मिक्सी में एक बार डाल करके अच्छे से चला लिया था, इसका बारीक पाउडर बन गया और उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, करीब 5 मिनट इस तरह से मिक्स करें। ये टी टाइम के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे, एक ही बार पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। इसमें और पानी नहीं डालना है, बस इसी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे, डो जो है बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, जैसे पूरी की डो बनाते हैं ना वैसे ही डो बनानी है। डो बन गया, अब इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और घी डाल करके मिक्स कर लें और इसे कवर कर दें 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेना है इस तरह से। और कोई फोक ले ले या कोई भी धुली हुई कंघी जो साफ़ हो इस तरह की, मैं दोनों दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। एक इस तरह से छोटा सा बोल लेंगे और इसको इसके ऊपर डालेंगे फोक के ऊपर, और इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से, इतना छोटा सा लिया, इसके ऊपर इस तरह से प्रेस किया ये, और इसे हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो कंघी होती है उसके मोटे धार को यूज़ करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे, लेकिन हाँ, कंघी बिल्कुल साफ़ सुथरी और धुली हुई होनी चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट से आप नई कंघी ले लें। इस तरह से फैला करके इस पे और भी बारीक बारीक बनता है, जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाल ही में मैं क्रिसमस पार्टी में गई थी और वहाँ पर मेरी फ्रेंड की ग्रैनी ने बनाया था, और यकीन मानिए जब मैं इसे खाई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाई। मैं इसे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा एक बार। एक बार बना के 15 से 20 दिन तक इसे आप खा सकते हैं, ना फ्रिज में रखने के झंझट, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लें और इसे इंजॉय करें। अब ये सारे कलकल बन के तैयार हो गए, अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन लिया है, इसे गरम करेंगे और इसमें डालेंगे कोई सी भी वेजिटेबल ऑयल। इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं आप। ऑयल को पहले गरम करेंगे और जब ऑयल गरम हो जाए फिर इसमें डालेंगे ये बने हुए कलकल। यहाँ पे मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बेक करना चाहें तो 180 डिग्री पे 10 to 15 मिनट के लिए इसे बेक भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसका डो तैयार करते हैं तो उस टाइम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला लें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसे मैं 2 तरीके से सर्व करना बताऊंगी। तो ऑयल गरम हो गया, अब इसमें सारे कलकल डाल करके फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो सारा जल जाएगा, और बहुत लो भी नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से कलकल बनाया है, एक फोक में डाल करके और एक कंघी में डाल करके, जो हेयर के को कॉम करते हैं ना उसी कंघी का यूज़ किया है। दोनों को अलग अलग फ्राई करूँगी जिससे 2 डिफरेंट डिजाइन बनेंगे। इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें
और एक गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर ले। इसे फ्राई करने में करीब करीब 10 मिनट का टाइम लगता है, उसमें ये अच्छे से फ्राई हो पाता है। इसमें फ्राई करने में जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो ये फिर अच्छे से सिकेगा नहीं, तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से स्पैटुला को हिला हिला करके अच्छे से इसे फ्राई कर ले। फ्लेम को मीडियम ही रखें, बहुत तेज़ नहीं रखें, नहीं तो ऊपर से इसका कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर कुक नहीं होगा। इसे फ्राई करने में करीब करीब 10 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छा सा कलर भी आ गया है, गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन कलर। इसी तरह से बाकी बचे हुए कलकल को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे दोनों तरीके से कलकल बनके तैयार हो गया है। इसे आप इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसमें चाहें तो एक टेबल स्पून पिसे हुए चीनी और एक चुटकी दालचीनी के पाउडर, इसको डाल करके और इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। और ये प्रोसेस गर्मा गर्म में ही करें, अगर ये ठंडी हो जाएगी तो इस पर चिपकेगी नहीं। और इस तरह से छानने के बाद या तो आप इसे ऐसे सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे इसे प्लेन भी खा सकते हैं, या फिर शुगर पाउडर से कोट करके, शुगर पाउडर से इस तरह से कोट करके भी, दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलती हूँ कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।